झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ग्राम स्मैक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पनवाड़ थानाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पनवाड़ थाना पुलिस द्वारा दहीखेड़ा के समीप उजाड़ नदी पुलिया के पास नाकेबंदी की जा रही थी। उसी दौरान सामने से तेज गति से आ रही एक इंडिगो कार को पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया तो चालक कार को पलटकर वापस ले जाने लगा। पुलिस टीम ने उन्हें रोककर पकड़ लिया और कार सवार 3 युवकों की तलाशी ली, जिनके पास एक थैली में रखा 7 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर तीनों आरोपी महेंद्र यादव, जितेंद्र यादव व अजय यादव निवासी बारा को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की इंडिगो कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।